राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल सुंदरनगर में 4 दिवसीय लर्निंग आउटकम प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। इस शिविर में सुंदर सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बताया कि 4 दिन तक चलने वाले इस शिविर में सुंदरनगर खंड के भाषा हिंदी अध्यापक और संस्कृत अध्यापक भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जैसे बदलाव आ रहा है, शिक्षकों को भी उनके अनुरूप समय समय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज दिनांक 4 दिसंबर को हमारे विद्यालय के अंदर जो LTOT का 4 दिवसीय स्पेशल कोर्स शुरू हुआ है, इसमें 3 RP भाग ले रहे हैं और लगभग 70 LTOT के द्वारा जो है भाग लिया जा रहा है स्ट्रीमिंग में। और यह वास्तव में हमारे विद्यालय के अंदर TGT मेडिकल, TGT नॉन मेडिकल, TGT आर्ट्स के अलावा 3 ट्रेनिंग है और इस सत्र की अंतिम ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में जो है अध्यापकों को नए नए तरीके से टीचिंग लर्निंग के बारे में और जो टीचिंग के क्षेत्र में चेंजेज हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वर्तमान समय इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो शिक्षा क्षेत्र में भी परिवर्तन हो, इस उद्देश्य को लेकर जो है विभाग के द्वारा जो है समय समय पर जो है इस प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर के ऊपर अगर ज़्यादा लोड पड़ता है तो उसे हम रिफ्रेश करते हैं, उसी तरीके से टीचरों को भी नई नई तकनीक लाने से विभाग के द्वारा जो है रिफ्रेश किया जाता है, ताकि वह बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके और बच्चों का विषय जो है सुरक्षित कर सके। धन्यवाद। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, प्राप्ति सूची में